फ्रेंड आज एक छोटा शिवलिंग बनाएंगे क्योंकि पूजा आने वाला है। चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ बहुत इजी तरीके से आप लोग कैसे बना सकते घर पे पूजा के लिए, और ये इको फ्रेंडली भी होगा। ठीक है, तो ऐसा हल्का छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का ले लीजिए, और बाकी आपका पास ऐसा कुछ बेम्बू का टूल्स होगा ठीक है तो भी चलेगा, और ऐसा करके आप चाकू बना सकते, ये जो हेक्सो ब्लेड होता है ना का बना के रेडी कर सकते। तो चलिए फटाफट मैं काम शुरू करता हूँ, आप लोग भी बैठ जाइए मिट्टी लेकर। तो चलिए जी, पहले हम लोग ऐसा रोल बना लेता हूँ। ठीक, ये नेचुरल मिट्टी है तो ऐसा कोई आर्टिफिशियल मिट्टी भी नहीं है जो आपको पानी में भी ये मिट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा उबल करके हम लोग क्या बनाएंगे, शिवलिंग बनाएंगे। इसलिए आप एक लंबा ये बना लीजिए। अभी क्या करें, जितना एरिया तक आपको चाहिए उतना रख के आपको कट करना है। तो यहाँ तक मैंने कट कर लिया, तो इसको मैंने यहाँ पे रखता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसको घर में बना के इस साल पूजा के लिए आप रेडी कर सकते हैं। अभी क्या करें, अभी कॉइल बनाना है। एक तो है देखिए, ये नीचे हम लोग एक कॉइल यहाँ पे लगाएंगे जिसमें आपका सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है ना, अभी क्या करें, इसको यहाँ पे हम लोग चिपका लेते हैं, मतलब यहाँ से जॉइंट आपको करना है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट बनेगा है ना। अभी क्या करें, यहाँ पे कॉइल बना के यहाँ पे अलग से लगाता हूँ। ठीक है, जैसा यहाँ पे हो जाए तो इस टाइप का लंबा एक कॉइल लेकर यहाँ पे मैंने चिपका देता हूँ। बहुत सिंपल है, सिर्फ जो स्टेप्स है इसको आपको फॉलो करना है। ये देखिए अभी ये हिल रहा है, तो इसको क्या करें, यहाँ पे नीचे का तरफ आपको सपोर्ट देना है। ऐसा करके एक छोटा सा टेम्पोररी सपोर्ट आप यहाँ पे दे दीजिए। अभी क्या काम है, इसमें चिपकाना है पूरा साइड। ठीक है ना, तो कैसे चिपकाए, एक तो है नीचे का तरफ आप पतला सा ऐसा छोटा कॉइल बना के नीचे का तरफ घुसा दीजिए, और इसको चिपका इधर ऐसा करके आप चारों साइड पे इसमें घुमा दीजिए और ये चिपक जाए। अभी क्या करें, इस टाइप का कुछ टूल्स लेकर यहाँ पे ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है ना, जैसा ये देखिए ऐसा करके आप ऐसा ग्रुप बनाएंगे तो ये चिपक भी जाएगा और आपका डेप्थ भी क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे आगे का तरफ इसको कट करेंगे। अभी क्या करें, ऐसा हल्का स्पॉन्ज में पानी लेकर आप धीरे धीरे इसको पॉलिश कीजिए, सरफेस भी आपका स्मूथ हो जाएगा और सुंदर भी लगेगा। ये छोटा 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 यहाँ पे मैं पाबड़ी बना लेता हूँ। ठीक है, और चारों साइड में लगाएंगे। अभी इसको क्या करें, अभी ऐसा छोटा 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 करके ऐसा प्रेस करके यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, ऐसे लगाता हूँ। अभी ऐसा करके पूरा यहाँ से चिपका देता हूँ। ठीक है ना, अभी यहाँ पे हल्का हल्का करके ये लाइन यहाँ पे दे देता हूँ। बस मतलब, और यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हल्का करके एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या होगा, एक डायमेंशन क्रिएट होगा और सुंदर भी लगेगा। और हल्का करके यहाँ पे पॉलिश कर देता हूँ, और यहाँ पे स्नेक बनाता हूँ। स्नेक पीछे का तरफ ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है ना, ऐसा करके पीछे का तरफ अभी सांप का कुछ हल्का टेक्सचर यहाँ पे करना चाहिए, अभी और भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ऐसा करके सेंटर से जाएगा। अभी यहाँ पे एक हल्का जो तिलक का लाइन है वहां पे बना लेता हूँ। अभी इस पे सपोर्ट हटा दिया, अभी हल्का ब्रश लेकर यहाँ पे इसको पॉलिश करता हूँ।
और यहाँ पे कुछ ऐसा टेक्सचर विराट से भी दे देता हूँ। अभी इस टाइप का काम आप चाहे तो इसको वाटरप्रूफ भी बना सकते हैं, जैसा ये सूख जाएगा उसके बाद क्या करें, ये जो टाचूड होता है वो हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, उसको पूरा के पूरा कोटिंग करेंगे। तो आप पानी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद पूजा होने के बाद आप विसर्जन भी कर सकते, ठीक है ना। ये इको फ्रेंडली आपका बन गया शिव जी मूर्ति। फ्रेंड अभी देखिए कैसा लग रहा है। और इस टाइप का काम आप लोग बनाना चाहते सीखना चाहते तो मेरा चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी दबा कर रखिए और मेरा चैनल पे जितना भी अपलोडेड वीडियोस है सब देखिए प्लीज़।